सर्वप्रिय समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को दिया समर्थन। सर्वप्रिय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पार्टी के संरक्षक डॉक्टर बी के सक्सेना भारतीय जनता पार्टी की नीतियों एवं विचारों सामाजिक कामों से प्रभावित होकर लखनऊ में जाकर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी लक्ष्मीकांत वाजपेयी के समक्ष 12/2/2022 को उत्तर प्रदेश में समर्थन दे दिया है। आज से सर्वप्रिय समाज पार्टी के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को अधिक से अधिक मतों से जीत दिलाने के लिए निष्ठापूर्वक काम करेंगे। सर्वप्रिय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज इटावा जनपद में प्रेस वार्ता करते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए। सर्वप्रिय समाज पार्टी द्वारा जो प्रेस वार्ता रखी गई है, विधानसभा 200 और 2022 और पूरे उत्तर प्रदेश में जो हमारी पार्टी कार्य कर रही है, जो गठन है, इस पूरी कार्यकारिणी का भारतीय जनता पार्टी को लखनऊ में जाकर माननीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के समक्ष इसका समर्थन दिया है। और ये भी कहा है कि पूरे प्रदेश में जहां अभी चुनाव नहीं हुए हैं, उन सभी क्षेत्रों में, सभी विधानसभाओं में हमने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। और ये भी उन्हीं के साथ में कहा है कि पूरे प्रदेश में जो भी प्रत्याशी हैं, उन्हें भारी से भारी बहुमत में जिताने का कार्य करें। जो आने वाले समय में हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पुनः उत्तर प्रदेश में स्थापित हो सके। क्या आपका पार्टी से कुछ सीटों का समझौता हुआ है, किस तरीके से आपने समर्थन दिया? हमारा कोई भी किसी प्रकार से पार्टी का समझौता नहीं हुआ, ना कोई सीटों पे, ना ही किसी तरीके से। हमारी पार्टी की नीतियां और विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से काफी मैच खाती हैं, काफी तालमेल भी खाती हैं। कहीं ना कहीं इसी कारण हमने अपनी पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश का 2022 में समर्थन दिया है भारतीय जनता पार्टी को।